यहाँ से अंदर की तरफ दोस्तों एंट्री करते हैं। फर्नीचर का पूरा सामान आपको दोस्तों देखने को मिले, काफी सारे आपको यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर, ये राजस्थान के जोधपुर से यहाँ पे ये कैक्टस दोस्तों यहाँ पे हैप्पी बर्थडे बोल माय डुप्लीकेट है शाहरुख खान बनेगा। और यहाँ पे कपिल शर्मा कॉमेडी नाइट। हे दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर बाय साहिल। गाइस, आज का जो हमारा ब्लॉग होने वाला है आज के लखनऊ के स्मृति उपवन में, जहाँ पे लग चुका है दोस्तों हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव, जो कि लखनऊ महोत्सव के जगह पे लगा हुआ है, क्योंकि लखनऊ महोत्सव जो है दोस्तों वो पोस्ट पॉन हो चुका है। तो आइए आपको घुमाते हैं ये हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव। आपको बता दें, अंदर जाने से पहले आपको लेना होगा टिकट, और जो टिकट का प्राइस है वो है दोस्तों 40 रुपये का आपको यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा। और इसकी जो डेट है वो डेट है दोस्तों 30 नवंबर से 15 दिसंबर तक। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका टिकट काउंटर, तो चलिए आइए हम लोग फटाक से लेते हैं यहाँ से अपना टिकट वगैरह और फिर चलते हैं हम लोग अंदर की तरफ। ये कुछ एंट्रेंस वगैरह यहाँ पे दोस्तों बना हुआ है, तो फटाक से भी हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। और जो टिकट का प्राइस है वो दोस्तों है 40 रुपये का। तो आइए, हाथ में आ चुका है ये टिकट जो कि यहाँ पे हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव का टिकट है। तो आइए चलते हैं। ये कुछ दोस्तों एंट्रेंस वगैरह दिया गया और यहाँ पे दोस्तों पब्लिक तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है। अंदर जाते हैं, आइए देखते हैं कैसा क्या आपको देखने को मिलता है। फिलहाल अभी हमारा होगा यहाँ पे टिकट चेक। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब हम लोग यहाँ से अंदर की तरफ दोस्तों एंट्री करते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे दोस्तों गेट देखने को मिलता है, जो कि एंट्रेंस गेट और कुछ अंदर का दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे व्यू दोस्तों देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे आज के दिन काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिलेगा, क्योंकि आज दोस्तों संडे और काफ़ी सारी इसीलिए पब्लिक आई हुई, और अभी तो शुरुआत है दोस्तों इस हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव की, तो इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा क्राउड देखने को मिल रहा है। और जैसे आप यहाँ से मेन गेट से एंट्री वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये पूरा फर्नीचर का दोस्तों सामान देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं, अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, तो यहाँ पे जाके अपना शॉपिंग वगैरह दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं फर्नीचर की जो भी सामान वगैरह आते हैं, इधर साइड फ्लावर पॉट वगैरह दोस्तों रखे हुए हैं, और इधर साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं लकड़ी के जो भी सामान वगैरह आते हैं, इधर साइड यहाँ पे किचन के सामान आपको दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। और ऐसे आपको यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, फर्नीचर का पूरा सामान आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा। और रात का समय, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी हर चीज़ें दिखाने का प्रयास करूंगा दोस्तों अपने व्लॉग में। और इधर साइड अभी हम आ चुके हैं, यहाँ पे आपको दोस्तों विंटर कलेक्शन वगैरह इस साइड दोस्तों देखने को मिल जाता है। और इधर साइड काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आपको दोस्तों देखने को मिलती है। और यहाँ पे दोस्तों मिल रही है साड़ी, मिल रही है सेल चल रही है यहाँ पे 200 रुपये की, आपको यहाँ पे सेल चल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भी ऐसे हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, यहाँ पे सेल चल रही है 200 रुपये की, आपको यहाँ पे साड़ी दोस्तों देखने को मिल जाती है। और इधर साइड यहाँ पे आप देख रहे हैं, इधर साइड आपको टोपी वगैरह दोस्तों देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे टोपी वगैरह आपको इधर साइड दोस्तों देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जैसा कि ये महोत्सव जो दोस्तों लगा हुआ है वो हस्तशिल्प महोत्सव लगा हुआ, और यहाँ पे दोस्तों अपने 28 राज्यों के आपको यहाँ पे हस्तशिल्प उत्पाद दोस्तों देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों हाथों से बनाए गए। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ और कुछ यूनिक चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँगा दोस्तों अपने इस व्लॉग में। और अभी हम लोग आ चुके हैं दोस्तों इधर की तरफ, और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड आपको इधर की तरफ भी दोस्तों देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, इधर साइड आप मतलब शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी शॉप वगैरह लगी हुई है अपना विंटर कलेक्शन वगैरह, आप यहाँ से अपना परचेज वगैरह कर सकते हैं। और जी मतलब फिर भी कितना 80 रुपीज से स्टार्टिंग आएगा, 1000 रुपीज 80 रुपए से दोस्तों स्टार्टिंग है यहाँ पे, और आपको 1000 रुपए तक यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे ये जो बैग वगैरह आप देख रहे हैं, तो काफी अच्छी अच्छी वेराइटीज आपको मिलेगी। और यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल शांति निकेतन का प्रोडक्ट, अच्छा वेस्ट बंगाल, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया था कि राजस्थान का है, लेकिन नहीं, ये वेस्ट बंगाल के आपको यहाँ पे बैग वगैरह दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। तो और उधर साइड दोस्तों सामने की तरफ वहाँ पे फास्ट फूड एरिया आ जाता है, जो कि अभी थोड़ा बन रहा है, तैयार हो रहा है, बाकी उधर साइड भी है, तो अभी हम लोग वहाँ पे चलेंगे। उससे पहले आइए मैं आपको इधर साइड क्रॉकरीज के आइटम वगैरह दिखा देता हूँ, जो कि चीनी के बर्तन होते हैं दोस्तों, तो वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी यहाँ पे शॉप लगी हुई है, ये इधर साइड भी है, वहाँ सामने की तरफ भी है, और उधर साइड भी है। तो आइए आप लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो ये सब भी अपना यहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग थोड़ा सा सामने की तरफ, वो वहाँ पे दोस्तों सामने की तरफ स्टेज लगा हुआ है, तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ स्टेज की तरफ। और तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं स्टेज की तरफ, यहाँ पे आपको सामने की तरफ ये स्टेज देखने को मिल जाता है, और जो यहाँ पे परफॉर्मेंस होने वाली है 15 दिन तक, मतलब अगले जो अभी
15 मतलब अगले जो 12 दिन बचे हुए हैं वो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होने वाली वो सब यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 दिसंबर को बॉलीवुड सिंगर आ रहे हैं दोस्तों शान, और यहाँ पे कपिल शर्मा कॉमेडी नाइट्स होने वाला है 12 दिसंबर को। तो ऐसे कुछ यहाँ पे सारी चीजें होने वाला है, साथ कवि सम्मेलन होने वाला है 7 दिसंबर को, और आज कुछ एहसान कुरैशी जो कॉमेडियन है वो यहाँ पे आने वाले, तो अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा मैं और भी कई सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ धीरे धीरे। और इधर सर दोस्तों आपको यहाँ पे जैसा कि ठंडी आ रही हो तो यहाँ पे आपको दोस्तों रजाई कम्बल वगैरह आपको इधर सर देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों आपको इस महोत्सव में देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाकी इधर साइड यहाँ पे मोबाइल वगैरह का अगर आपको कवर वगैरह लेने तो वो सब आप लोग यहाँ पे दोस्तों आके अपना ले सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक यूनिक चीज़ जो मुझे इस महोत्सव में दोस्तों देखने को मिली है, यहाँ पे ये आप देख रही है कैक्टस, और ये अभी देखिएगा यहाँ पे मूव करता और बोलता भी है, यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैक्टस दोस्तों यहाँ पे हैप्पी बर्थडे बोल रहा है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे दोस्तों ये मूव करता है, अभी धीरे धीरे यहाँ पे मूव करेगा, तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ लगी है। भाई क्या रेट है भाई इसका? और दोस्तों ये आपको यहाँ पे मिल रहा है 450 रुपये का, यहाँ पे दोस्तों आपको मिल रहा है ये कैक्टस। और दोस्तों आपको इधर साइड यहाँ पे जो आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह आते हैं वो आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और कई सारे यहाँ पे आपको दोस्तों ये आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, अंदर की तरफ भी कई सारे हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग आ रहे तो यहाँ से अपना फ्लावर वगैरह भी दोस्तों यहाँ से परचेज करके अपना लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी सारे आपको यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे दोस्तों शर्ट का काफ़ी अच्छा दोस्तों कलेक्शन आपको दोस्तों देखने को मिल जाता है, जो शर्ट वगैरह हैं आपको यहाँ पे 400 रुपये के मिल रहे हैं, 500 रुपये के मिल रहे हैं, और 500 के दो शर्ट भी आपको यहाँ पे मिले, और कुछ आपको इस तरीके के यहाँ पे स्वेटर मिल रहे हैं जो कि मिल रहे हैं मात्र 300 रुपये, 350 रुपये के आपको यहाँ पे स्वेटर वगैरह दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। और उधर साइड भी यहाँ पे स्वेटर वगैरह हैं, और उधर साइड यहाँ पे जींस वगैरह दोस्तों आपको देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छा अच्छा कलेक्शन आपको इस शॉप पे दोस्तों देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप शॉपिंग करने के लिए कोई लोकेशन ढूंढ रहे तो भाई साहब ये चॉइस आपकी बहुत सही होगी, हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव भाई साहब यहाँ पे आइए, आपको एक से बढ़कर एक चीज़ें आपको इस महोत्सव में दोस्तों देखने को मिलेंगी। तो कौन कौन आ रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी तक जो भी मैंने दिखाया वो यहाँ पे पीछे की तरफ जो मेन एंट्रेंस था वहाँ से मैंने आपको दिखाया, और मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ जहाँ इधर साइड दोस्तों झूले वगैरह लगे हुए हैं, मैं आपको वहाँ पे लेके चल रहा हूँ अब। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल जाता है ऐसे सोडा सॉफ्ट ड्रिंक, तो आपको यहाँ पे कई सारे फ्लेवर आपको दोस्तों देखने को मिल जाता है, और ये हमारे भैया जो यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो अगर आप लोग दोस्तों इस महोत्सव में आ रहे हो तो हमारे भैया की दुकान पे जरूर विजिट करिए, अपना यहाँ पे फ्लेवर ट्राई करिए। और दोस्तों आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पे फ्लेवर देखने को मिलते हैं, कोला हो गया, ऑरेंज हो गया, फ्रूट बियर हो गया, ऐसे कई सारे आपको यहाँ पे दोस्तों फ्लेवर देखने को मिल जाते हैं। तो भाई साहब अगर आप लोग आ रहे हैं, अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एक बार। तो दोस्तों अभी हम आज के इधर साइड आपको फास्ट फूड का आइटम वगैरह मिला, जो इधर साइड फूड कोर्ट बनाया गया है हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव का, उधर की तरफ आज कर ये दोस्तों काफ़ी बड़ा लगाया गया है, यहाँ पे आप फूड कोर्ट देख रहे हैं ना दोस्तों, चारों तरफ आपको मतलब सामने की तरफ आपको ये पूरा फूड कोर्ट ही नज़र आएगा, एक से बढ़कर एक आपको यहाँ पे फूड देखने को मिलने वाले। उधर साइड आप लोग राजस्थान का आपको यहाँ पे फूड दोस्तों देखने को मिलने वाला है, साइड डब्बू भाई की राजस्थानी तंदूरी चस्का चाय दोस्तों देखने को मिल जाती है, और इधर साइड ऐसे कई सारे आपको यहाँ पे फूड कोर्ट में कई सारे रेस्टोरेंट टाइप में आपको दोस्तों छोटे छोटे दिखने को मिलने वाले। तो कौन कौन आ रहा है और इसको कौन कौन ट्राई कर रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं हम झूलों की तरफ। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, जो हमारी दुकान आई हुई है राजस्थान के जोधपुर से, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको घर के डेकोर का आपको दोस्तों यहाँ पे सामान दोस्तों देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों आपको दोस्तों देखने को मिलने वाली, यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई साहब एक से बढ़कर एक चीज़ें आपको इस शॉप पे यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलेगी। जैसे अब उधर साइड आप बाइक देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये बाइक भी दोस्तों देखने को मिलने वाली, अगर आप घर को सजाना चाहते हैं बाइक के शौकीन है तो आप यहाँ से लेके जा सकते हैं, 5000 रुपये की आपको यहाँ पर मिल रही है, और ये आपको यहाँ पर बाइक 4000 की मिल रही है, और ये चीज़ काफ़ी यूनिक चीज़ है जो कि यहाँ पर मेटल से बनी हुई है, यहाँ पर ये जो आप बंदूक देख रहे हैं भाई साहब नकली है, यहाँ पर आपको 2500 रुपये की आपको पड़ जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, और कुछ इस तरीके का यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो लोग तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे झूले की तरफ, तो आप सामने की तरफ देख रहे हैं भाई साहब आपको यहाँ पे ढेर सारे झूले दोस्तों देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा
पास में, और मैं आपको यहाँ पे ढेर सारे भाई साहब झूले दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना चारों तरफ, यहाँ से दोस्तों अब आपके झूले चालू हुए और ये पूरा झूले झूले आपको देखने को मिलते हैं। पूरा ये एक कह सकते हैं गेमिंग जोन बनाया गया है दोस्तों यहाँ पे। और चलते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से आपको यहाँ पे झूले दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ झूला वगैरह, रिंग वाला झूला दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है, और इधर की तरफ ऐसे ट्रेन वाला जो आता है दोस्तों आपको इसी तरीके का यहाँ पे दोस्तों झूले दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं पीछे की तरफ, और वहाँ पे चल के मैं आपको जो यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए वो मैं आपको कवर करके दिखाता हूँ। और इधर साइड यहाँ पे आपको पिज्जा मिल रहा है 60 रुपए में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और चलते हैं, और इधर की तरफ भी आपको यहाँ पे बच्चों के जो झूले वगैरह आते हैं वो आपको दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। और इधर साइड यहाँ पे गेम वगैरह जो आता है यहाँ पे पिलाने वाला जो होता है, इंडियन होपला रिंग मनोरंजन थ्रो स्टॉल, वो आपको दोस्तों इधर साइड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इसी तरीके के आपको इधर साइड भी यहाँ पे गेम वगैरह दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। तो आइए चलते हैं, और भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो बस इसी तरीके के दोस्तों आपको यहाँ पे झूले वगैरह दोस्तों देखने को मिलेंगे। और उधर साइड वहाँ पे थोड़ा सा हॉरर हाउस वगैरह भी बना हुआ है, विशाल सर्कस भी सामने की तरफ बना हुआ है, यहाँ पे विशाल सर्कस भी दोस्तों देखने को मिल जाता है। और जैसे भूत बंगला भी आपको दोस्तों सामने की तरफ देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और साइड झूले वगैरह भी काफी सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। और वो रहा सामने की तरफ आपका रिंग वाला झूला जो हर मेले में आपको दोस्तों देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इधर की तरफ, तो इधर का कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको दोस्तों सामने की तरफ का देखने को मिलता है। तो आइए हम चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। और दोस्तों फर्स्ट टाइम किसी महोत्सव और मेले में मुझे इस तरीके का झूला दोस्तों मिला हुआ है, जो कि अकेले चल रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं। और ये झूला मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मेले महोत्सव में, तो ये काफ़ी यूनिक दोस्तों झूला है जो कि मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अगर आप लोगों ने देखा तो आप लोग बताइए। और इसका टिकट का प्राइस है पता नहीं क्या है, क्योंकि कोई इस पर झूल नहीं रहा है, तो ये खाली ऐसे झुलाया जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम वापस आ चुके हैं स्टेज की तरफ, आपको झूले वगैरह दिखा के, क्योंकि अभी हमारे आ चुके जिन्होंने बॉलीवुड की एक मूवी में काम किया बॉम्बे टू गोवा, एहसान कुरैशी जी की मैं बात कर रहा हूँ। वो सामने अपनी स्पीच वगैरह दे रहा है, थोड़ी लाफिंग शो जो वगैरह चलता है वो भी वहाँ पे हो रहा है, लाफ्टर शो जिसको कहते हैं, लाफ्टर शो, तो वो दोस्तों सामने की तरफ चल रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पब्लिक है यहाँ, अब मैं इनके बीच परफॉर्म करूंगा। थैंक यू वेरी, यही लोग भीड़ लगा लेते थे, इतनी नहीं देते, इतनी अच्छी आई ऑडियंस तो। हाँ यार देखो, मैं बच्चा गॉड ब्लेस, बहुत तरह की बहुत संस्कारित बच्चा है। मैं क्या बताऊं, माय डुप्लीकेट है, शाहरुख खान बनेगा नहीं, ये उसी झाड़ का पत्ता है जिस झाड़ में तुम उगे थे। ये भविष्य है देश का, तुम तो बेकार हो गए, ये बनेगा स्टार है शाहरुख खान बड़ा होकर। बहुत अच्छा, देवताओं में कमी पड़ गई थी हंसी की, तो इसलिए उसको बुला लिए कि चलो अब देवताओं को हंसाओ, तो वो वहाँ भी हंसा रहे होंगे। इसलिए मैं लखनऊ को बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उस टाइम दो लाइन पढ़ा था, सिद्धू जी सामने बैठे थे, मैं कविताएं सुनाता हूँ दो या तीन, मैं कविताएं सुनाता हूँ दो या तीन, जम गया तो सचिन नहीं तो अजहरुद्दीन। तो दोस्तों आज के व्लॉग में जैसा कि आपने देखा, आज हम आए हुए थे लखनऊ में लगे हिंदुस्तान शिल्प महोत्सव में। तो यहाँ पे मैंने आपको ये पूरा हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव कवर करके दिखा, और यहाँ पे जो हमारे एहसान कुरैशी जो बहुत बड़े कॉमेडियन किंग, तो उनको भी मैंने आपको दिखा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और मैं आपको इसकी लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।